नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना के मामलों में कमी के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियां बिहार में शुरू हो गई है। इसी कड़ी में लगातार पंचायत चुनाव को लेकर नए नए अपडेट भी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सामने आ रहे हैं। वहीं अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है और ये है कि चुनाव के लिए नामांकन शुल्क को लेकर पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए किस पद के लिए कितना नामांकन शुल्क देना होगा, इसको राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है। 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक नामांकन शुल्क तय कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। जानकारों की माने तो राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपए नामांकन शुल्क का निर्धारण किया है। इसके साथ ही पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250 रुपए शुल्क लगने वाले हैं। वहीं जिला परिषद सदस्यों को नामांकन के लिए 2000 रुपए देने होंगे। इतना ही नहीं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि पंचायत चुनाव के दौरान आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना होगा। हालांकि ध्यान देने की बात यह भी है कि चुनाव के समय सभी अभ्यर्थियों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा, जिसके तहत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक दल का नाम या झंडा प्रचार के लिए इस्तेमाल करने से परहेज करना होगा। इतना ही नहीं, उम्मीदवार किसी भी सरकारी भवन या कार्यालय पर बैनर पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे। अगर उम्मीदवार दफ्तर खोलने का काम अगर करते भी हैं तो निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार अपने आवास और कार्यालय पर बैनर पोस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार अगर सब ठीक रहा तो राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में अक्टूबर या नवंबर में पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकती है। हालांकि तैयारियां अगले महीने से ही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर सारी योजनाएं तभी काम करेंगी जब कोरोना के मामलों में जारी नियंत्रण आगे भी जारी रहेगा। अगर मामलों में बढ़ोतरी हुई तो पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पिछली बार की तरह धरी की धरी रह जाएंगी। पिछली बार भी पंचायत चुनाव के आयोजन के समय पहले तो राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच ईवीएम को लेकर मामला फंसा, फिर कोरोना के कारण चुनाव को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद फिलहाल पंचायतों का संचालन के लिए परामर्शी समिति का गठन किया गया है, क्योंकि कायदे से पंचायतों का कार्यकाल 15 जून तक ही था, जिसके बाद ही परामर्शी समिति का गठन किया गया है। हालांकि अब एक बार फिर से चुनाव के आयोजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, लेकिन कोरोना और कई जिलों में आई बाढ़ भी परेशानी का सबब बनी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग की यह योजना है कि एक बार चुनाव के शुरू होते ही 10 चरणों में होने वाले चुनाव में ऐसे जिलों को ध्यान में रखा जाएगा जो वर्तमान समय में बाढ़ की चपेट में है। ऐसे जिलों में फिलहाल आखिरी चरण तक चुनाव के आयोजन की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।